हेलो दोस्तों, आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोबाइल के कुछ सिक्योरिटी टिप्स देने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक कोई सा भी ऐप जो है इंस्टॉल हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि जो ऐप्स इंस्टॉल हो रही है वो कैसे हो रही हैं आपके बिना परमिशन के, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हमें कुछ परमिशन जो है ऑफ़ करनी पड़ेगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे मोबाइल में वो परमिशन अलाउ है कि नहीं है। तो हम इसके लिए अपने मोबाइल के सेटिंग्स पर जाना है। तो मैं अपने मोबाइल के सेटिंग्स जाता हूँ, तो अपने मोबाइल का सेटिंग्स खोल लेता हूँ मैं पहले। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे आ चुका हूँ। अब फिर आपके मोबाइल में सेटिंग्स पे आने के बाद आप लोगों को अपने ऐप्स वाले सेक्शन पे चले जाना है। तो मैं ढूंढ लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप्स लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस ऐप्स वाले फोल्डर पर मैं चला जाऊँगा और फिर हमें ऐप्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हमें मैनेज ऐप्स दिख जाएगा। तो इस मैनेज ऐप्स पर जाना है हमें, तो मैं इस मैनेज ऐप्स पर चला जाऊँगा। अब हमें मैं जिस ऐप्स को सिलेक्ट करूँगा सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। तो मैं यहाँ पे अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करूँगा। तो आपको भी यहाँ पे अपना मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करनी है। अब फिर आपको चेक करना है इंस्टॉल ऐप्स फ्रॉम अननोन सोर्स वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे अननोन सोर्स वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और मैं यहाँ से अपना फिर लॉक खोल लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अननोन सोर्स लिखा हुआ है। अगर आपके मोबाइल में यहाँ से अगर इस तरह कुछ अननोन सोर्स जो है ऑन है तो इसको इस तरह से ऑफ़ कर देनी है और फिर बैक आ जाना है। अब फिर दोस्तों हम पूरा बैक आ जाना है यहाँ से। फिर हम यहाँ पे एक और ऐप्स जो ढूंढ लेंगे कौन सा ऐप हमारे मोबाइल में मोबाइल की कंपनी की तरफ से इनबिल्ड आपको ऐप्स के जो डाउनलोड करने के लिए ऐप्स मिल जाता है बहुत सारे, वो हमें खोजना पड़ेगा पहले। तो मैं ढूंढ लेता हूँ पहले, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ ढूंढता हूँ पहले। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट ऐप्स लिखा हुआ है, ये जो है फ़ोन के कंपनी की तरफ से इनबिल्ड मिल जाता है जहाँ से हम ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके भी हमें अननोन्स वाले ऑप्शन को चेक करना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और अननोन सोर्स वाले ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं अननोन सोर्स वाला ऑप्शन जो है यहाँ से ऑन है, तो इसको ऑफ़ कर देनी है और फिर हमें बैक आ जाना है। तो मैं फिर बैक आ जाता हूँ और फिर हमें गूगल क्रोम को चेक करना है। तो मैं गूगल क्रोम को ढूंढ लेता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम है, तो यहाँ से फिर हमें गूगल क्रोम पे आना है और फिर यहाँ पे हमें अननोन सोर्स वाले ऑप्शन पे फिर जाना है हमें। तो यहाँ से मैं फिर अननोन सोर्स वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और फिर जैसे ऑन रहेगा तो इसको फिर हमें ऑफ़ कर देनी है। तो उसके बाद फिर हमें बैक आना है और हमें फिर इनबिल्ट मोबाइल में ब्राउज़र मिल जाता है कंपनी की तरफ से, उसे फिर हमें ढूंढना है। तो मैं ढूंढ लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो है MI का है, तो यहाँ MI ब्राउज़र लिखा हुआ है। आपके मोबाइल अगर दूसरे कंपनी का है तो मोबाइल के हिसाब से आपके ब्राउज़र मिल जाएगा उसमें कंपनी का इनबिल्ड। तो यहाँ से फिर उसको चेक करना है और यहाँ से उसके फिर अननोन सोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है और उसको फिर हमें ऑफ़ कर देनी है, यहाँ से फिर हमें ऑफ़ कर देनी है। तो दोस्तों अगर हम इसको पूरा जो अननोन सोर्स वाला ऑप्शन ऑफ़ कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा कोई सा भी ऐप जो है ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होगा। अगर इंस्टॉल भी होगा तो इसमें आपके परमिशन मंगा जाएगा, उसके बिना आपका जो कोई सा भी ऐप्स हो है ऑटोमेटिक आपके परमिशन के बिना इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।